हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस शेयर जो दिखाई दे रहा है, ये वांडे कैंडल का चार्ट है। वांडे कैंडल चार्ट में हम देखेंगे उसका और कितना टारगेट रहेगा। पिछले वीडियो में यही बात किए थे, बजाज फाइनेंस का जो 1000 का टारगेट था वो अचीव हो गया। दूसरे वीडियो में भी यही बताया था, उसका स्टॉप लॉस नहीं अचीव होगा और नहीं भी अचीव हो के डायरेक्ट टारगेट तक अचीव हो गया। तो ये थर्ड वीडियो है बजाज फाइनेंस का। अभी देखेंगे ये वांडे कैंडल चार्ट है, वांडे कैंडल में किस रफ्तार से और आगे की तरफ रास्ता रखेगा, तो इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी आप देख पा रहे हैं ये वांडे कैंडल चार्ट। वांडे कैंडल अभी क्लोजिंग दे रहा है 7,366। अभी इसका रेजिस्टेंस हो गया 7,500, मैंने 7,500 हो गया रेजिस्टेंस, उसका सपोर्ट हो गया 7,000। ये दोनों लेवल के बीचों बीच में है। अगर आपको ये ध्यान देना है, बजाज फाइनेंस जैसे भी बहुत बड़ा वोल्टेज शेयर है, आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका टारगेट में 8,000 तक दिया है, तो आपको जिस दिन आपको देखेगा 7,500 ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पर, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंट आने के चांसेस बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाते हैं 7,500 के ऊपर। देखो 7,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस जैसे टूटता है तो 8,000 तुरंत आके यहाँ तक पहुँचेगा। मैं भी यही बात बताया था, 8,000 आने के बाद आपको क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि दो बार ऐसा हो गया जो 8,000 के आसपास आके फिर गिरा है, फिर 8,000 आसपास आके फिर गिरा है। तो इस बार भी 8,000 आसपास आके अगर गिरता है तो आपको वहीं आसपास में क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि अगर 8,000 ऊपर जाके अगर स्टे कर दिया तो वो वहाँ से सीधा घूमेगा 10,000 तक अचीव होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि अभी के टाइम में आप देख पा रहे हैं एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रही है, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ देखो, और यहाँ से अगर 8,000 तक क्रॉस होता है, यहाँ से रिवर्स मारता है, तो आपको पैनिक भी नहीं होना है, उल्टा और ख़रीदना है। क्योंकि उसका चार्ट बहुत बढ़िया है, स्ट्रांग पोर्टफोलियो, स्ट्रांग शेयर है, तो इसको घबरा का कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप होल्डिंग कर सकते हैं मेरे तरफ से। तो आपको 8,000 टारगेट तक यानी अभी से लेके 600 तक आप टारगेट बना सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। आप इसको होल्डिंग और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत बढ़िया शेयर है। तो ये रहा बजाज फाइनेंस शेयर। बजाज फाइनेंस कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके बताइए। जैसे 8,000 अचीव हो जाए फिर एक वीडियो बना के लेकर आऊँगा आपके लिए। तो ये रहा वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।